जय भारत। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेज़र प्रिंटिंग मशीन के बारे में। इसमें कैसे आप जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है उसको कैसे आप लिखेंगे, फिर उसको किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे प्रिंट करेंगे, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लेज़र प्रिंटिंग मशीन से ही क्यों प्रिंट करें, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन बहुत तरह की आती है, इंक वाली भी प्रिंटिंग मशीन्स आती हैं, लेकिन लेज़र प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करने की वजह क्या है। तो लेज़र प्रिंटिंग मशीन से आपको प्रिंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आप मार्केट में बड़ी कंपनियों की तरह की आप क्वालिटी पा सकते हैं प्रिंटिंग में, अपने ब्रांडिंग में। जहाँ पे आपको लिखना है वो आपकी क्वालिटी एकदम बड़ी कंपनियों की तरह हो जाएगी, जैसे बाकी सारी कंपनियाँ प्रिंट करती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है। और लेज़र प्रिंटिंग में जो लागत है वो आपके इंक प्रिंटिंग के जितनी ही आती है, और आपको क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी मिलती है। इंक प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपको खर्चा ज़्यादा आता है, आपको अलग से एक डाई बनवानी पड़ती है, और जिसमें आप जो डाई में लिखा से वही प्रिंट कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटिंग में ऐसा नहीं है। लेज़र प्रिंटिंग में आप जो भी नाम आपको प्रिंट करना, जो भी प्रिंट करना, आपने फटाफट उस पर इनपुट दिया, उसको उसमें टेक्स्ट एंटर किया और आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो लेज़र प्रिंट ऑपरेट करने में आसान है, वोलाटाइल है, आप इन सब खूबियों का मज़ा ले सकते हैं लेज़र प्रिंटिंग में। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि लेज़र प्रिंटिंग से आप किसी भी टेक्स्ट को कैसे प्रिंट करते हैं ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले हम अपनी इस MCB को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद ये स्विच ऑन करेंगे और फिर गैल्वो, और उसके बाद लेज़र को ऑन करते हैं। फिर नीचे से अपने कंप्यूटर को CPU को ऑन कर देंगे। हमारा ये सिस्टम ऑन हो रहा है। आप जो अपनी मशीन को ऑन करेंगे तो उसके स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक EZCAT2 शॉर्टकट करके लिखा होगा, इस आइकन पे आपको प्रेस करना है माउस से ले जाके, और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर दिखेगा। यहाँ पे आपको FI पे ला करके अपने माउस से कर्सर को FI पे ला के क्लिक करना है। एक बार क्लिक करके फिर आपको इस स्क्वायर में आके एक बार और क्लिक करना है। तो आपको साइड में इस तरफ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के दिखेगा, जहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे यहाँ से फिर आपको अपने कर्सर को यहाँ जाके प्रेस करना है, और फिर बैक स्पेस से जो टेक्स्ट पहले से लिखा हो उसे हटाना है। फिर जो कुछ भी हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा वो हमें लिख लेना है। मान लीजिए हमें ओपेक प्रिंट करना है, तो हम इसमें ओपेक लिख लेंगे। ओपेक लिख लिया हमने। अब यहाँ से हमको इसे अप्लाई कर देना है, ये ओपेक आ गया। अब अगर ओपेक का हमें ये जो लिखा हुआ है इसका साइज़ चेंज करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। आप एक तो जो इसके चारों तरफ डॉट्स दिख रहे हैं, ये स्क्वायर शेप के डॉट्स दिख रहे हैं, हमको इन्हें सेलेक्ट करना है, और फिर शिफ्ट के साथ जैसा भी छोटा बड़ा हमें करना हो कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करने के लिए भी हम कर्सर नीचे कीबोर्ड से डाउन एरो अप एरो से कर सकते हैं, या फिर माउस से ही हम सेलेक्ट करके एक बार में पूरा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं इसको, इस तरह से देखिए। और इसकी साइज़ डिटरमाइन के लिए हमें साइज़ पे जाना होगा, और साइज़ में यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको हम अब कर देंगे अप्लाई। देखिए साइज़ हमारा बड़ा हो गया। इसको छोटा करना है तो हमें यहाँ पे छोटा भी हम कर सकते हैं। देखिए साइज़ छोटा हो गया। और अब देखिए ये एक आउटलाइन में सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसमें बीच में भरने के लिए हम इसको हैच अप्लाई करेंगे। ये जो हैच आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे प्रेस करेंगे और अपने हैच को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हैच का मतलब ये है कि हमारी प्रिंटिंग आएगी किस तरह से, हम लाइन को पूरा भरना चाहते हैं या फिर कम ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हैच पहले से 0.1, जो लाइन स्पेस है वो 0.1 है, और जो लूप डिस्टेंस है वो 0.5 है। हमारा हैच भी सेलेक्ट है, क्रॉस हैच, हम इसको इस पर अप्लाई कर देंगे। देखिए हमारा ओपेक पूरा ब्लैक कलर से लिख चुका है। और अब हम इसको प्रिंट करने के लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एलुमिनियम शीट है, इस पर हम इसको प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंटिंग के लिए ये जो दो डॉट आपको अलग अलग दिख रहे हैं, इनको हमें एक में करना होगा। इसके लिए हम ऊपर इसको घुमाते हैं, इसको हम घुमाएँगे तो देखिए डॉट दोनों करीब आना शुरू हो गए हैं। अब ये दोनों डॉट मिलके एक डॉट फॉर्म कर लेंगे, हमें वहीं पर रुक जाना है। तो ये दोनों डॉट मिलके एक सिंगल डॉट हो गया है। और इसके बाद हमें ये पोजीशन चेक करनी है कि हमको सीट पे कहाँ पे प्रिंट करना है। उसके लिए हम F1 प्रेस करेंगे, और F1 को देखिए कहाँ पर आ रहा है हमारा
ये एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, प्रिंटिंग यहाँ पे होगी। तो इसको सेट करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट पे लेके आना है, तो इसके लिए हम एरो का यूज़ करेंगे। इसको नीचे लेके आएंगे ऐसे, और फिर साइड से लाके सेंटर पे जहाँ प्रिंट करना है वहाँ पे पहुँचा देंगे। और साइज़ अगर इसका देखिए बड़ा है, हमें साइज़ छोटा करना है, तो हम फिर से साइज़ पर जाएँगे। और साइज़ को अप्लाई कर देंगे, देखिए छोटा साइज़ होगा। फिर से F1 प्रेस करके पता कर लेंगे कि हमारा प्रिंटिंग जो है वो कहाँ पे होना है। और अब हमारा प्रिंट होने के लिए मैटर रेडी है। अब इसको हम F2 प्रेस करके प्रिंट कर लेंगे, देखिए प्रिंट हो गया है। ये देखिए ओपेक इस पर एकदम क्लियर लिख चुका है। तो आप कोई भी मैटर आपको प्रिंट करना है तो आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो आपने इस वीडियो में देखा, हमने आपको बताया कि आप कोई भी टेक्स्ट आपको अगर इनपुट देना है तो आप कैसे देंगे, उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो ऐसे ही अपनी मशीन में प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।